हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मेरा अब सारा पूजा वगैरह हो गई है, सारा काम हो गया है। मैं सीधा आप लोगों को किचन का दिखाती हूँ। और आज संडे है तो बच्चों के लिए स्पेशल बनना है। बच्चों ने बोला आलू की पूड़ी हमने खानी है, तो दोस्तों मैं कुछ इस हिसाब से बनाती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना। और ये 2 कटोरी आटा लिया है मैंने, और इसमें अपने हिसाब से मतलब जितना मतलब हमारा हो जाए उस हिसाब से 4-5 मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और ये लहसुन और हरी मिर्ची मैंने कुट करके रख ली थी, तो उससे एकदम टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और इसमें मैंने स्वाद के हिसाब से अपना नमक डाला था, मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। और बाकी आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। बहुत टेस्टी ये पूड़ियाँ बनती हैं। और मैंने हरा धनिया भी कट करके रख लिया था अपना, और वो भी मैंने इसमें डाला था। एक देखने में भी और खाने में और खुशबू इसकी अलग ही आती है, तो इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो मेरा ये एक तरफ मैंने अपना ऑयल भी चढ़ा दिया था कि जब तक मेरा आटा गूंदेगा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कौन कौन बनाते हो और किस स्टाइल से बनाते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हो? जैसे कि मैं वेट लॉस की भी मेरा है स्टार्टिंग जर्नी चल रही है, और मैं अपना पूरा डे का भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लोग क्या देखना चाहते हो, किस तरीके की मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट करना। और बस ये मेरा आटा लग गया है, और अब हम बनाते हैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म। बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी बना दो, क्योंकि संडे के दिन खुद तो लेट उठेंगे, और फिर बस उठते के साथ उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि वही हमें बना के दो, क्योंकि एक संडे होता है बच्चों के लिए, बाकी तो बेचारे सुबह से भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए जो वो कहें उस हिसाब से मैं बनाऊँ। तो मेरी ये पूड़ियाँ इतनी अच्छी एकदम मतलब फूली फूली बनी थी, और बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। और मैंने फिर इसको अपना बच्चों को अभी बस ये देखो दोस्तों कितनी अच्छे से पूड़ियाँ बन रही हैं। और पूड़ियाँ बस मेरी तैयार हो गई थी, मैंने सारी पूड़ियाँ बना के फिर दोनों अपने बच्चों को दोनों को दे दी थी, और हम लोगों ने भी बस फिर उसके बाद में खा ही लिया था, क्योंकि सारा काम करते करते भूख भी लग जाती है, और काम इतना होता है कि मैं ना सारा काम निपटा के पहले बच्चों को दे के तभी फिर ये रहता है कि चलो भाई अपना लास्ट में ही खाती हूँ। तो बस ये बच्चों को मैंने दी है, और मैंने दिया है साथ में दही, और मैंने ना वो बनाया था हरी मिर्च की चटनी बनाई थी मैंने सिलवट्टे पे, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है। तो मैं चटनी वगैरह साथ में ज़रूर बना लेती हूँ, और सॉस, और मैंने खीरा कट कर लिया था जैसे कि आप देख रहे हो। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अब बस बच्चों को दे के मैं आऊँगी, और फिर मैं हम बाद में खाएंगे। दोस्तों कैसी लग रही है आपको ज़रूर कमेंट करना, और आप लोग क्या देखना चाहते हो उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये देखिए दोस्तों, मेरी चटनी भी रेडी थी, और अब मैं सॉस डाल दिया मैंने, अब मैं बच्चों को दे के आती हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, बाय बाय, कल मिलते हैं। आप लोग भी खाइए हमारे साथ में। बाय बाय दोस्तों।